नमस्कार दोस्तों, लव गाथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं उसका नाम है कामना तरु, जो प्रेमचंद की अमर प्रेम कहानियों में से एक है। राजा इंद्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुंवर राजनाथ को शत्रुओं ने चारों तरफ से ऐसा दबाया कि उन्हें प्राण लेकर एक पुराने सेवक की शरण जाना पड़ा, जो एक छोटे से गांव का जागीरदार था। कुंवर स्वभाव से शांति प्रिय, रसिक, हंस खेलकर समय काटने वाले युवक थे। रण क्षेत्र की अपेक्षा कवित्त के क्षेत्र में उन्हें चमत्कार दिखाना बहुत पसंद आता था। रसिक जनों के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए काव्य चर्चा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था वो शिकार या राज दरबार में नहीं, इस पर्वतमालाओं से घिरे हुए गांव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ उसके बदले में वो ऐसे कई राज्य त्याग कर सकते थे। ये पर्वतमालाओं की मनोहर छटा, ये नेत्र रंजक हरियाली, ये जल प्रवाह की मधुर वीणा, ये पक्षियों की मीठी बोलियां, ये मृग शावकों की छलांगे, ये बछड़ों की कुलेले, ये ग्राम निवासियों की बालोचित सरलता, ये रमणियों की संकोचमय चपलता, ये सारी बातें उनके लिए नई थी। पर इन सबसे बढ़कर जो चीज उन्हें आकर्षित करती थी वो थी जागीरदार की बेटी चंदा। चंदा घर का सारा कामकाज खुद ही करती थी। उसको माता की गोद में खेलना नसीब हुआ ही नहीं था, पिता की सेवा में हमेशा लगी रहती। उसका विवाह इसी साल होने वाला था कि इसी बीच कुंवर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं का अंकुरण कर दिया। उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींचा था मानो वही रूप धरकर उनके सामने आ गया। कुंवर की आदर्श रमणी भी चंदा ही के रूप में अवतरित हो गई। लेकिन कुंवर समझते थे मेरे ऐसे भाग्य कहां, चंदा भी समझती थी कहां ये और कहां मैं। दोपहर का समय था और जेठ का महीना, खपरैल का घर भट्टी की तरह तपने लगा। महलों में रहने वाले राजकुमार का चित गर्मी से इतना बेचैन हुआ कि वो बाहर निकल आए और सामने के बाग में जाकर एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गए। उन्होंने देखा चंदा नदी से जल की गागर लिए चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेत थी, ऊपर जलता हुआ सूरज, लू से देह झुलसी जाती थी। कदाचित इस समय प्यास से तड़पते हुए आदमी की भी नदी तक जाने की हिम्मत नहीं होगी। चंदा क्यों पानी लेने गई थी, घर में तो पानी भरा हुआ है, फिर इस समय वो पानी लेने क्यों निकली। कुंवर दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले, मुझे दे दो, भागकर किसी छांव में चली जाओ, इस समय पानी का क्या काम था। चंदा ने गागर न छोड़ी, सिर से खिसका हुआ आंचल संभाल कर बोली, तुम इस समय यहां कैसे आ गए। हां हां, शायद मारे गर्मी के अंदर ना रह सके। कुंवर बोले, अरे मुझे दे दो, नहीं तो मैं छीन लूंगा। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारों को गागर ले जाना शोभा नहीं देता। कुंवर ने गागर का मुंह पकड़कर कहा, इस अपराध का बहुत दंड सह चुका हूं चंदा, अब तो अपने को राजकुमार कहने में भी लज्जा आती है। देखो धूप में खुद हैरान होते हो और मुझे भी हैरान करते हो, गागर छोड़ दो, सच कहती हूं पूजा का जल है। चंदा बोली, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा। कुंवर ने कहा, अच्छा जी नहीं मानते तो ले चलो, हां नहीं तो। चंदा ने कहा। कुंवर गागर लेकर आगे आगे चले, चंदा पीछे होली। बागीचे में पहुंचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास आकर रुककर बोली, इसी देवता की पूजा करनी है मुझे, गागर यहीं रख दो। कुंवर ने आश्चर्य से पूछा, अरे यहां कौन देवता है चंदा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। चंदा ने पौधे को सींचते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है। पानी पीकर पौधे की मुरझाई हुई पत्तियां हरी हो गईं।
मानो उनकी आंखें खुल गई हों। कुंवर ने पूछा, ये पौधा क्या तुमने लगाया है चंदा? चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से बांधते हुए कहा, हाँ हाँ, उसी दिन तो जब तुम यहां आए थे। यहां पहले मेरी गुड़ियों का घरौंदा था। मैंने गुड़ियों पर छां करने के लिए अमोला लगा दिया था, फिर मुझे इसकी याद नहीं रही, घर के काम धंधे में लग गई। जिस दिन तुम यहां आए, मुझे ना जाने क्यों इस पौधे की याद आ गई। मैंने आकर देखा तो वो सूख गया था। मैंने तुरंत पानी लाकर सींचा तो ये कुछ कुछ ताजा होने लगा। तब से इसे रोज सींचती हूं, देखो कितना हरा भरा हो गया है। ये कहते कहते सिर उठाकर कुंवर की ओर ताकते हुए कहा, और सब काम भूल जाऊं पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती। तुम ही इसके प्राणदाता हो, तुम ही ने आकर इसे जिला दिया, नहीं तो बेचारा सूख ही गया होता। ये तुम्हारे शुभागमन का स्मृति चिन्ह है, जरा इसे देखो तो सही, मालूम होता है हंस रहा है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है ये मुझसे बोलता है, सच कहती हूं। कभी ये रोता है, कभी हंसता है, कभी रूठता है। आज तुम्हारा लाया हुआ पानी पीकर ये फूला नहीं समाता। एक एक पत्ता कुंवर जी तुम्हें धन्यवाद दे रहा है। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो वो पौधा कोई नन्हा सा खेलता हुआ बालक है, जैसे चुम्बन से प्रसन्न होकर बालक गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला देता है, उसी तरह ये पौधा भी हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। उसके एक एक अणु में चंदा का प्रेम झलक रहा था। चंदा के घर में खेती के सारे औजार थे। कुंवर एक फावड़ा उठा लाए और पौधे की एक थाल बनाकर चारों ओर ऊंची मेड़ उठा दी, फिर खुरपी लेकर अंदर की मिट्टी को गोड़ दिया। पौधा और भी लहला उठा। चंदा बोली, कुछ सुनते हो क्या कह रहा है? कुंवर ने मुस्कुराकर कहा, हां हां सुनाई पड़ता है, कह रहा है अम्मा की गोद में बैठूंगा। अरे नहीं, ये कह रहा है इतना प्रेम करके भूल ना जाना, चंदा ने कहा। मगर कुंवर को अभी राजपुत्र होने का दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं को ना जाने कैसे उनकी टोह मिल गई। इधर तो शुभचिंतकों के आग्रह से विवश होकर बूढ़ा कुबेर सिंह चंदा और कुंवर के विवाह की तैयारियां कर रहा था। उधर शत्रुओं का एक दल सिर पर आ पहुंचा। कुंवर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्ते लगाकर एक फुलवाड़ी सी बना दी थी। पौधे को सींचना अब उन्हीं की जिम्मेदारी थी। सुबह सुबह वो कंधे पर कांवड़ रखे नदी से पानी ला रहे थे कि 10-12 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। कुबेर सिंह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन शत्रुओं ने उसे मार गिराया। अकेला अस्त्रहीन कुंवर क्या करता, कंधे पर कांवड़ रखे हुए बोला, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। सरदार बोला, हमें आपको पकड़ कर ले जाने का हुक्म है। तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में भी नहीं देख सकता क्या? खैर अगर धर्म समझो तो कुबेर सिंह की तलवार मुझे दे दो, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़कर कम से कम प्राण तो दे दूं। इसका उत्तर यही मिला कि सिपाहियों ने कुंवर को पकड़कर उनकी मुश्कें कस दी और उन्हें एक घोड़े पर बैठाकर घोड़े को भगा दिया। कांवड़ वहीं पड़ी रह गई। उस दिन चंदा घर से निकली, देखा कांवड़ पड़ी हुई है और कुंवर को लोग घोड़े पर बैठाए ले जा रहे हैं। चोट खाए पक्षी की भांति वो कई कदम दौड़ी, फिर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वो घबराकर उठी और लाश के पास पहुंची। कुबेर अभी मरे नहीं थे, प्राण आंखों में अटके हुए थे। चंदा को देखते ही धीमे स्वर में बोला, बेटी कुंवर। इसके आगे वो कुछ कह ना सका, प्राण निकल गए। पर इस शब्द कुंवर ने उसका आशय प्रकट कर दिया।
20 वर्ष बीत गए, कुंवर कैद से छूट नहीं सके। ये एक पहाड़ी किला था, जहां तक निगाह जाती पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आती। किले में उन्हें कोई कष्ट न था, नौकर चाकर, भोजन वस्त्र, सैर शिकार, किसी बात की कमी नहीं थी। पर उस वियोग की अग्नि को कौन शांत करता, जो हमेशा कुंवर के हृदय में जला करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अगर कोई इच्छा थी तो यही कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कर लें, जहां उन्हें वो सब मिला जो मनुष्य को मिल सकता है। हां, उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि उन पवित्र स्मृतियों से रंजित भूमि के दर्शन कर जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दें। वही नदी का किनारा, वही वृक्षों का कुंज, वही चंदा का छोटा सा सुंदर घर उसकी आंखों में फिरा करता, और वो पौधा जिसे उन दोनों ने मिलकर सींचा था, उसमें तो मानो उनके प्राण ही बसते थे। क्या वो दिन भी आएगा जब वह उस पौधे को हरी भरी पत्तियों से लदा हुआ देखेगा? कौन जाने अब भी है या सूख गया? कौन अब उसको सींचता होगा? चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़े ही बैठी होगी, ऐसा संभव भी तो नहीं। उसे अब मेरी सुध होगी भी या नहीं? हाँ, शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती हो तो पौधे को देखकर उसे मेरी याद आ जाती हो। मुझ जैसे अभागे के लिए इससे ज्यादा वो कर ही क्या सकती थी? उस भूमि को एक बार देखने के लिए वो अपना जीवन दे सकता था, पर ये अभिलाषा भी पूरी नहीं होती थी। आह, एक युग बीत गया। शोक और निराशा ने उठती जवानी को कुचल दिया। न आंखों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन का क्या था, एक दुखदायी स्वप्न। उस सघन अंधकार में उसे कुछ सूझता न था, बस जीवन का आधार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था, फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा, उसे कोई इच्छा ना रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिंताएं इसी एक सपने में लीन हो जाती थी। उसके रक्षकों को अब उसकी तरफ से कोई शंका ना थी, उन्हें तो उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मीठी नींद सोते थे। कुंवर भाग सकता है, इस बात की कोई संभावना, कोई शंका ना थी। यहां तक कि एक दिन वो सिपाही भी आराम से निश्चिंत होकर बंदूक लिए लेटा रहा। निद्रा किसी हिंसक पशु की भांति ताक लगाए बैठी थी, लेटते ही टूट पड़ी। कुंवर ने सिपाही की नाक की आवाज सुनी, उसका हृदय बड़े वेग से उछलने लगा। ये अवसर आज कितने दिनों के बाद मिला। वो उठे मगर पांव थर थर कांप रहे थे। बरामदे के नीचे उतरने का साहस ना हो सका, कहीं इसकी नींद खुल गई तो? हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी, सिपाही की बगल में उसकी तलवार थी, पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया, वो चौंक कर उठ बैठा। रहसा संशय भी उसके दिल से चला गया। दूसरी बार जो सोया तो खर्रांटे लेने लगा। प्रातःकाल जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे में झांका। कुंवर का अता पता ना था। कुंवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार कल्पना की द्रुत गति से भागा जा रहा था, उस स्थान को जहां उसने स्वख स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर तलाश हुई, नायक ने सवार दौड़ाए पर कहीं पता ना चला। पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन, उस पर अज्ञातवास की कैद, मृत्यु के दूर पीछे लगे थे जिनसे बचना मुश्किल। कुंवर को कामना तीर्थ में बहुत वक्त लग गया। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवा कुछ और शेष ना था। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या हो गई थी।
वहां बस्ती का नाम भी ना था। दो चार टूटे फूटे झोपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप बचे थे, वो झोपड़ा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन की सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति भग्न हो गया था। झोपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनी करुण कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस मिट्टी को माथे पर मला, मानो किसी देवता की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिपटकर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा, वो रोने के लिए ही इतनी दूर से आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गीय आनंद था। क्या इस समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता था? तब वो झोपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष हरे हरे नवीन पल्लवों को गोद में लिए मानो उनका स्वागत करने खड़ा था। ये वो पौधा था जिसे आज से 20 साल पहले दोनों ने लगाया था। कुंवर उन्मत्त की तरह दौड़े और जाकर वृक्ष से चिपट गए, मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगाए हो। ये उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की, जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया है। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें एक हवा का झोंका भी ना लगे। उसके एक एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी हुई थी। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी किसी ने सुना था? उनके हाथों में दम ना था। सारी देह भूख प्यास और थकान से शिथिल हो रही थी, पर वो उस वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी ना चढ़ता। सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर उन्होंने चारों तरफ गर्वपूर्ण दृष्टि डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो रहा था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमामयी नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी। सूर्य के श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही थी जो हंस रही थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के दिन पूरे करता। जब अंधेरा हो गया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की शैया बनाई और लेट गए। यही उनके जीवन का स्वर्ग स्वप्न था। आह, यही सौभाग्य। अब वो इस वृक्ष की शरण को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दिल्ली के तख्त के लिए भी वो इस आश्रय को नहीं छोड़ेंगे। उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वो वृक्ष सिर धुन रहा है। वर नीरव रात्रि उस वेदनामय संगीत से हिल उठी। कुंवर का हृदय इस तरह ऐंठने लगा मानो वो फट जाएगा। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। आह पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछुड़ गया है, नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विषाद, इतना रुदन कहां से आता? कुंवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। एक एक स्वर तीर की भांति दिल को छेदे डालता था। वो बैठे ना रह सके, उठकर आत्मविस्मृति की दशा में दौड़े हुए झोपड़े में गए। वहां से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाएं, कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें सपने में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वो पक्षी ना था, चंदा थी। हां हां, प्रत्यक्ष चंदा। कुंवर ने पूछा, चंदा, ये पक्षी यहां कहां? चंदा ने कहा, मैं ही तो वो पक्षी हूं। कुंवर, अरे तुम पक्षी हो, क्या तुम ही थी जो गा रही थी? हां हां प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह
रोते रोते एक युग बीत गया। चंदा बोली, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? कुंवर ने पूछा। उसी झोंपड़े में जहां तुम्हारी खाट थी, उसी खाट के बांध से मैंने अपना घोंसला बनाया है, चंदा ने कहा। और तुम्हारा जोड़ा वो कहाँ है? कुंवर ने पूछा। मैं अकेली हूं। चंदा को अपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने में जो सुख है, वो जोड़े में नहीं। मैं इसी तरह अकेली रहूंगी और अकेली मरूंगी, चंदा ने बोली। मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता? कुंवर ने पूछा। चंदा चली गई। कुंवर की नींद खुल गई। उषा की लालिमा आकाश पर छाई हुई थी और वो चिड़िया कुंवर की शैया के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब उस संगीत में करुणा न थी, विलाप न था, उसमें आनंद था, चापल्य था, सारल्य था। वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य है? कुंवर ने शैया से उठते ही एक झाड़ू बनाई और झोपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी ये टूटी फूटी दशा नहीं रह सकती। वो इसकी दीवार उठाएंगे, इसका छप्पर डालेंगे, इसमें उनकी चंदा की स्मृति रहती है। झोपड़े के एक कोने में वो कांवड़ रखी हुई थी, जिस पर पानी लाला कर वो इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवड़ उठा ली और पानी लाने लगे। दो दिन से कुछ भोजन ना किया था। रात को भूख लगी थी, पर इस समय भोजन की बिल्कुल इच्छा ना थी। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी लाला कर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते थे, दौड़े आते थे। इतनी शक्ति उनमें कभी ना थी। एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गई जितने चार मजदूर भी ना उठा सकते थे। और कितनी सीधी, कितनी चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लज्जित हो जाते। प्रेम की शक्ति अपार है। संध्या हो गई, चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद की, मगर कुंवर को आराम कहां? तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे। हाय रे कामना, क्या तू इस बेचारे के प्राण लेकर छोड़ेगी? वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर के हाथ से घड़ा छूट गया। हाथ और पैरों में मिट्टी लपेटकर वो वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति! मानव संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था। उसमें ये जागृति, ये अमृत, ये जीवन कहां? संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वो विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवा और कहां है? कुंवर के हृदय नेत्रों के सामने वो दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदी से जल लाला कर सींचती थी। हाय, क्या वो दिन फिर आ सकते हैं? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुंवर को देखकर प्रश्न करने लगा, जो साधारणता दो अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं। कौन हो, कहां से आते हो, कहां जाओगे? पहले वो भी इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो पास के एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। अब भी उसके खेत यहां है। रात को जंगली पशु से अपने खेतों की रक्षा करने वो यहां आकर सोता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हां हां भाई, जानता क्यों नहीं, बेचारे यहीं तो मारे गए थे। तुमसे भी क्या जान पहचान थी? हां हां, उन दिनों कभी कभी आया करता था। मैं राजा की सेवा में नौकर था, उनके घर में और कोई ना था, कुंवर ने कहा। अरे भाई, कुछ ना पूछो, बड़ी करुण कथा है। उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल लड़की बच रही थी। आह, कैसी सुशीला, कैसी अच्छी लड़की थी! उसे देखकर आंखों में ज्योति आ जाती थी, बिल्कुल स्वर की देवी जान पड़ती थी, किसान ने कहा। जब कुबेर सिंह जीता था तभी कुंवर राजनाथ यहां भागकर आ गए थे।
और उसी के यहां रह रहे थे। उस लड़की की कुंवर से कहीं बातचीत हो गई। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए, उसके लिए वरों की कोई कमी तो ना थी। भाई ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने को धन्य ना मानता। पर वो किसी से विवाह करने को राजी ना हुई। किसान ने कहा, यह पेड़ जो तुम देख रहे हो ना, तब छोटा सा पौधा था। इसके पास फूलों की कई और क्यारियां थी। इन्हीं को गोड़ने, निराने, सिंचाने में उसका दिन कटता था। बस यही कहती थी, हमारे कुंवर साहब आते होंगे। किसान बोल रहा था। कुंवर की आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन घुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास ना आएगा भाई, उसने 10 साल इसी तरह काट दिए। कितनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी भी नहीं जाती थी। पर उसे अब भी कुंवर के आने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई। कुंवर ना जाने मरे कि जिए, कभी उन्हें इस विरहिणी की याद भी आई कि ना आई। पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया कि जैसा चाहिए। किसान ने कहा, कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो हृदय फटा जा रहा हो। वो कलेजा थामकर बैठ गए। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी और दो चार दम लगाकर बोला, चंदा के मरने के बाद यह घर गिर गया। गांव पहले ही उजाड़ था, अब तो और भी सुनसान हो गया। दो चार आदमी यहां कर बैठते थे, अब तो चिड़िया का पूत भी नहीं आता। उसके मरने के कई महीने के बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी। तब से बराबर इसे यहां बोलते सुनता हूं। रात को सभी चिड़िया सो जाती हैं, पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी दिखाई नहीं दिया, बस फुटैल है। दिन भर उसी झोपड़े में पड़ी रहती है, रात को इस पेड़ पर आकर बैठती है। मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आ जाता था। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कलेजे को महसूस रहा है। मैं तो कभी कभी पड़े पड़े रो भी दिया करता था भाई। बस लोग कहते हैं कि यही चंदा है, अब भी कुंवर के वियोग में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा जान पड़ता है, पर आज न जाने क्यों मगन है। किसान ने कहा। किसान तंबाकू पीकर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए रहे, खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, चंदा क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? एक क्षण में चिड़िया आकर उनके हाथ पर बैठ गई। चंद्रमा के प्रकाश में कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उनकी आंखें खुल गई हों, मानो आंखों के सामने से कोई आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में भी चंदा की मुखाकृति अंकित थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश पड़ी हुई थी। कुंवर अब नहीं है, पर उनकी झोपड़े की दीवारें बन गई हैं। ऊपर फूस का नया छप्पर पड़ गया है और झोपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी हैं। गांव के किसान इससे अधिक और कर भी क्या सकते थे। उस झोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया है। दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते हैं, साथ साथ आते हैं। रात को दोनों उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते हैं। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है। वन के जीव जंतु वो स्वर्गीय गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। ये पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी गांव वाले को संदेह नहीं था। एक बार एक व्याघ ने इन पक्षियों को फंसाना चाहा, गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया।